रायबरेली और वायनाड में राहुल की ऐसी फजीहत होगी सोचा नहीं था। सियासत में सबकी नजर इस वक्त राहुल गांधी पर है। इसकी वजह केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट के अलावा लोकसभा में नेता विपक्ष का पद है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड दो लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। चुनाव नतीजे आए 14 दिन होने को है। नियमों के अनुसार दो सीट से निर्वाचित सांसद को 14 दिन के भीतर कोई एक सीट छोड़नी होती है। 4 जून को नतीजे आए थे, ऐसे में राहुल गांधी को 18 जून तक रायबरेली या वायनाड में से किसी एक सीट की सदस्यता से अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को देना होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए फैसले की घड़ी अब सिर पर लटक रही है। उनके पास अब कल का ही दिन बाकी है, उन्हें रायबरेली और वायनाड में से एक सीट को चुनना होगा। इसे लेकर कांग्रेस की आज एक अहम बैठक भी होनी है। 10 राजाजी मार्ग पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। पहले कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि राहुल गांधी सोमवार को इस बारे में फैसला ले सकते हैं। फिलहाल लग रहा है कि अभी वायनाड और रायबरेली पर राहुल गांधी का मंथन जारी है। एक तरफ वायनाड और रायबरेली है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को यह फैसला भी लेना है कि वो लोकसभा में नेता विपक्ष बनेंगे या नहीं। कांग्रेस खेमे से लगातार यह आवाज उठ रही है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। इस पद पर कभी राहुल गांधी नहीं रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी अगर विपक्ष के नेता बनते हैं तो वो पीएम मोदी के ठीक सामने मुकाबले के लिए खड़े दिखेंगे। अब सबकी नजर इस पर है कि राहुल गांधी दोनों अहम मामलों में फैसला कब करते हैं। वहीं आपको बता दें कि कोई सदस्य यदि इस्तीफा देना चाहता हो तो उसे लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में इस्तीफा देना होगा। किसी सदस्य के इस्तीफा देने के 6 महीने के अंदर उस सीट के उपचुनाव कराने का प्रावधान है। लोकसभा के महासचिव इस्तीफा स्वीकार करने के बाद उसे लोकसभा के बुलेटिन या गजट में प्रकाशित करेंगे और उसकी एक कॉपी को चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग उस सीट को रिक्त मानते हुए वहां चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। बता दें कि अपने मतदाताओं का आभार जताते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि वह दुविधा में हैं कि कौन सी सीट रखें और कौन सी छोड़ें, लेकिन जो भी फैसला लेंगे उससे सभी को खुशी होगी। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी कि वह वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़वा सकते हैं। चुनाव से पहले तक राहुल गांधी वायनाड सीट से लोकसभा सदस्य थे। 2024 में वे इसी सीट से फिर चुनाव लड़े और जीते। उन्होंने रायबरेली में भी जीत हासिल की, जो कि गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। आखिरी बार इस सीट का प्रतिनिधित्व उनकी मां सोनिया गांधी ने किया था। अब की बार वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी बल्कि राज्यसभा सदस्य बन गई। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।